गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वाइल्ड एनिमल्स। कल हमने डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया था। डोमेस्टिक एनिमल्स दो टाइप के थे बेटा, पेट और फार्म एनिमल्स। पेट एनिमल्स कौन से थे? जिन्हें हम हमारे घरों में रखते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, रैबिट्स। उसके बाद दूसरे फार्म एनिमल्स थे बेटा, जिन्हें कहाँ रहते हैं, वो फार्म्स पे रहते हैं, जैसे काउ, बफेलो, हॉर्स, शिप, गोट, ये सारे जो फार्म एनिमल्स होते हैं बेटा, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जैसे कि काऊ है, बफेलो है, गोट्स, इन सब से हमें दूध मिलता है। मुर्गी जो होती है बेटा, वो हमें अंडे देती है। शिप से हमें वूल मिलती है। तो ये सारे फार्म एनिमल्स के अंदर आते थे। अब हमारा है वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। वो सारे एनिमल्स बेटा जो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट यानी कि जंगल में रहते हैं, वो सारे किसे क्या इसके अंदर आते हैं, वाइल्ड एनिमल्स में आते हैं। दे फेंड फॉर देमसेल्फ। वाइल्ड एनिमल आर यूजुअली डेंजरस एंड कैन बी हार्मफुल। ये बेटा अपनी लाइफ में खुद के ऊपर ही डिपेंड है, यानी कि जैसे कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स है बेटा, वो खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, शेल्टर के लिए, उन सबको किसकी ज़रूरत थी, हमारी ह्यूमन्स बींग की रिक्वायरमेंट थी। बट जो वाइल्ड एनिमल्स होते बेटा, वो खुद पर ही डिपेंड रहते हैं। और जो वाइल्ड एनिमल्स होते बेटा, वो डेंजरस यानी कि खतरनाक होते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे लिए। वी ऑल्सो फाइंड वाइल्ड एनिमल इन केजेस इन जू। अगर हमें वाइल्ड एनिमल्स को देखना है तो बेटा, हम चिड़ियाघर जाते हैं, जो उनमें ये कहाँ बंद होते हैं, जब पिंजरों के अंदर बंद किए जाते हैं, ताकि ये हमें नुकसान ना पहुँचा सके। लोयन, टाइगर, फॉक्स, बियर, जिराफ, एलिफेंट, ये सारे किसके एग्जाम्पल है बेटा, वाइल्ड एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था बेटा वाइल्ड एनिमल्स का छोटा सा। कल हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसकी लेटर्स राय एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।